बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना उस सूरत का वृत्तांत जो कि श्री जी की विचारधारा जागनी के संदर्भ में सेवा के संदर्भ में और बिहारी जी की विचारधारा जो केवल अधिकार मांगती है जिन्हें कर्तव्य परायणता से कोई लेना देना नहीं है और केवल अपनी स्वार्थपूर्ति तथा संकीर्ण मानसिकता को तुष्ट करना है उसी को सिद्ध करना है इन दो मानसिकताओं के बीच में अलगाव कैसे होता है कैसे ये भूमिका बनी कैसे बिहारी जी ने तीन नियम बनाए और श्रीजी ने किस तरह से उनका प्रत्युत्तर दिया किस तरह से सूरत में भीम भाई श्याम भट्ट गोविंद जी व्यास जैसे सुंदर साथ की जागनी हुई कैसे श्री राज जी की मेहर से लालदास जी माया से छूटकर माया से निकलकर कर राज्य के चरणों में आए और किस तरह से उनका जो प्रण था कि जब तक बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा श्री जी ने किस तरह से उन्हें समझा करके उनका प्रण तोड़ा यह सब प्रसंग हम कल सुन चुके हैं अब आगे महामती श्री लालदास जी उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जो कि इतिहास की एक ऐसी घटना है जो लगभग सूरत में श्री जी और बिहारी जी के अलग होने के जैसी ही है और इसमें श्री लालदास जी ने क्या कहा कि मुहम्मद साहब जब एक अद्वैत के ज्ञान का प्रचार कर रहे थे अद्वैत का ज्ञान मतलब भाषा का फर्क है बहुत सारी चीज़ें बाद में आने वाले लोगों ने मिलावट भी की है पर मुहम्मद साहब ने जो ज्ञान दिया था वह अद्वैत का सिद्धांत था अद्वैत का सिद्धांत मतलब कि परमात्मा एक ही है और उस एक परमात्मा की उपासना होनी चाहिए उस एक की पूजा होनी चाहिए ये उनका सिद्धांत था और अबू जहल नाम का एक व्यक्ति था जो इस सिद्धांत के प्रचार में उस समय सबसे बड़ा सबसे बड़ी बाधा बन रहा था और उसने क्या किया कि मुहम्मद साहब तो उस समय ज्ञान से ही समझा रहे थे पर अबू जहल ने अपने लोगों को भड़का करके मोहम्मद साहब और उनके जो शिष्य थे या उनके जो अनुयायी थे उनके विरुद्ध कर दिया इसीलिए मोहम्मद साहब को अब मक्का से हटना पड़ा पीछे हटना पड़ा और वहां से मदीना की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं मदीना में जाकर के वो पहले तो अपने लोगों का संगठन तैयार करते हैं नए लोगों में अपने सिद्धांत का प्रचार करते हैं और पुनः मक्का पर अब आक्रमण करते हैं इसी तरह से यहां क्या कहा है शहर मदीना सूरत तहां से चले जब महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले तब मोहम्मद साहब ने जिस दिन मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया उस प्रस्थान को कहते हैं हजरत अथवा हिजरत इसका तात्पर्य होता है पलायन करना वैसे भाग करके जाना गुप्त रूप से जान बचा करके और उस दिन से मुसलमानों में हिजरी सन मानने की परंपरा है कि आज से मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया है उस दिन से लेकर के वो अपने वर्ष की या अपने समय की गणना करते हैं अब यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ अबू जहल का स्थान लिया है गादीपति बिहारी जी महाराज ने वाणी के प्रचार प्रसार की राह में सबसे बड़ी बाधा वही है श्रीजी ने यहां जाहिरी लड़ाई नहीं लड़ी है कोई हथियार वाली लड़ाई नहीं लड़ी है न उन्हें उस राज्य को जीतना है न उस गादी में स्थित होना है विराजमान होना है उन्हें तो जैसे अबू जहल के अंदर दज्जाल बैठा हुआ था अज्ञानता रूपी इसी तरह से बिहारी जी के अंदर जो विचारधारा थी उस विचारधारा को जीतना था किसी व्यक्ति को जीतने का सबसे बड़ा तरीका ही यही है कि उसकी विचारधारा समाप्त कर दी जाए यही तो है जीत किसी को हराने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शक्ति का बल का प्रयोग करके उसका दमन किया पर उसकी विचारधारा यदि जीवित है तो समझ लीजिए कि आप हार गए हैं और वह व्यक्ति जीत गया है यदि विचारधारा समाप्त होती है तो किसी की हार मानी जाएगी और विचारधारा की जीत होती है तो किसी की जीत मानी जाएगी यही सत्य सिद्धांत है अब बिहारी जी के द्वारा बारंबार प्रताड़ित किए जाने पर परेशान किए जाने पर और यहां ये निर्णय लिए जाने पर कि सुंदर सात से मिहिर राज जी को ही बहिष्कृत किया जाता है श्रीजी कौन सी विचारधारा दिखाना चाहते थे समाज में कि बिहारी जी की जो मानसिकता है कि गादी पर जो बैठता है वही सर्वस्व होता है वही राज्य है उस विचारधारा को समाप्त करना चाहते थे और उन्होंने किया भी सूरत से लेकर के पन्ना तक सारी जागनी उनकी है आज सोचिए ना कि बिहारी जी किस तरह से परास्त हुए हैं कि स्वयं जिस गादी पर बिहारी जी विराजमान हैं आज उन्हीं की गादी परंपरा में जितने लोग चले आ रहे हैं वो बिहारी जी को गादीपति मानने के लिए तैयार नहीं है आप नौतनपुरी जाके देखिए बिहारी जी को गादीपतियों का स्थान ही नहीं दिया गया है पहले गादीपति के रूप में देवचंद्र जी को रखा है दूसरे श्री प्राणनाथ जी जबकि वो गादी पर बैठे भी नहीं हैं और तीसरे नंबर पर केसरबाई हैं इस तरह से आगे दूसरे आचार्यों का वर्णन आता है बिहारी जी का तो नाम ही नहीं आता तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि बिहारी जी की विचारधारा पूरी तरह से समाप्त हो गई लेकिन इसके लिए जो कार्य किया है जो समर्पण किया है वह अकेले मिहर जी का नहीं है हाँ ऐसा हुआ कि मंजिल की तरफ तो अकेले ही चले थे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया श्री जी ने ये नहीं देखा कि सुंदर साथ मेरे साथ हैं कि नहीं है उनको बस इतना पता है जो कि उन्होंने कल के प्रसंग में भी हमने देखा ना पत्र लिखा था कि यदि हम स्वार्थ के लिए दौड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा तो हमारा स्वार्थ कदापि पूर्ण नहीं होगा लेकिन यदि हम सेवा के लिए दौड़ेंगे तो राज्य वहां अवश्य साथ देंगे केवल राज्य के भरोसे उन्होंने जागनी कार्य सिरोधार्य किया था अब जब ये निर्णय लिया गया सुंदर साथ ने भी यहाँ पूरी तरह से तन मन धन से समर्पण किया और क्या हुआ कि नौतनपुरी से अलगाव हो गया जाहिरी रूप से और बातिनी रूप से विचारधारा से तो पहले ही अलग चल रहे थे जिस तरह से मदीने के बाद मोहम्मद साहब ने अबू जहल को परास्त किया था यहाँ श्रीजी ने भी बिहारी जी की विचारधारा को परास्त किया और उसमें कहते हैं शहर मदीना सूरत यहाँ पर मक्का जो है तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया जाए तो मक्का कहा गया है नौतनपुरी को मदीना कहा गया है सूरत को और वहाँ जैसे मोहम्मद साहब की मदद की थी मदीने के लोगों ने इसी तरह सूरत के जो लोग थे उन्होंने श्री जी की मदद करी जिनको कहा गया महाजर महाजर किसे कहते हैं शरणार्थी कहा जाता है रेफ्यूजी कहते हैं इंग्लिश में जिनका घरबार ही न हो या जो घरबार छोड़ करके निकल गए हो उनको महाजर कहा जाता है सूरत के सुंदर साथ का सबसे बड़ा योगदान है यहाँ सूरत के सुंदर साथ मतलब जितने भी लोग सूरत से चले हैं अभी इसमें कुछ लोग ठा नगर के हैं कुछ लोग अन्य स्थानों के भी हैं दीप बंदर के भी हैं अब्बासी बंदर से भी कोई आया होगा मस्कत बंदर से भी आया होगा पर सूरत से जितने लोग चले हैं उन सब की शोभा बताई जा रही है कि शहर मदीना सूरत से सेती चले जब महाजरो मदद करिए जो साथ सेवा में चले तब जितने सुंदर साथ सेवा में चले देखिए हम तो जागने के लिए निकलना होता है तो पहले ये देखते हैं मान लीजिए किसी जगह पर कार्यक्रम के लिए जाना है तो पहले देखेंगे कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे पूरी होंगी कि नहीं होंगी हम अपने लिए व्यवस्था करवाते हैं यहाँ तक भी कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा पर सत्य बता रहा कि कार्यक्रमों में किसी सुंदर साथ को ज्ञानपीठ भी आना होता है तो वो भी फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें तो ऐसा वाला कमरा चाहिए हमें पलंग चाहिए रहने के लिए हमें इस तरह का बाथरूम चाहिए वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए ये सब होगा तो हम आएंगे वरना हम नहीं आ सकते इस तरह से सोचते हैं हम में से जो चर्चा कर रहे हैं हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां रहती है कि हम मतलब हमारा भविष्य क्या होगा सोचते हैं बहुत कुछ क्योंकि कहीं ना कहीं वह समर्पण का अभाव है जिसके प्रति समर्पण किया है यदि उसके बाद भी ये चिंता रह जाए कि हमारे भविष्य का क्या होगा तो वो समर्पण ही क्या जब हम ही ना रहे तो किसके भविष्य की चिंता है और होता क्या है एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है बड़े महाराज जी के जीवनी में से कि मैंने सुना है केवल दो सुंदर साथ में आपस में विवाद हो गया और जब विवाद हुआ तो एक पक्ष की गलती थी हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की पूरी गलती होती है कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि शुरुआत किसी ने की हो गलती तो उसी की मानी जाती है तो जब विवाद हुआ झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद जो दूसरा पक्ष था जो जो थोड़ा ज्यादा पीड़ित हो गया था दुखी होकर के उसने श्राप दे दिया उस सुंदर साथ को अब श्राप कितना फलीभूत होता है वो तो वो अलग प्रसंग है पर यहाँ उस सुंदर साथ ने जाकर के महाराज जी से बात बताई कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ और मैंने उस सुंदर साथ को श्राप दे दिया अब महाराज जी कहते हैं जब सब तूने ही कर लिया तुझे ही करना था तो मुझे क्यों बता रहा है ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि जब हमें ही सारी चिंता करनी है तो फिर हम राज जी को क्यों बता रहे हैं क्यों सुना रहे हैं पूरी तरह से राज्य पर सौंपने का या समर्पित होने का भाव हम सूरत के उन सुंदर साथ से सीख सकते हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे हैं हमारे परिवार वाले हैं रिश्तेदार वाले हैं आज तो तीन दिन के लिए ज्ञानपीठ में अगर शिविर लगाई जाए तो जब यहाँ पहुँचेंगे पहुंचने के बाद बोलेंगे हाँ हम अच्छे से पहुंच गए मेरी चिंता मत करना मैं सुबह शाम फ़ोन कर लिया करूँगा फिर सुबह शाम फ़ोन किया जाता है जानकारी दी जाती है कि नहीं हम ठीक हैं उसके बाद में फिर वापस जाया जाता है अब इनको तो ये भी नहीं पता कि एक बार निकले हैं तो खोज खबर होगी कि नहीं होगी कोई सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी कितने सुंदर साथ ऐसे होंगे कि घर में कैसी परिस्थिति आई होगी पर पता ही नहीं चला होगा क्यों क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं दिया यदि ये सोचते समर्पण करते हुए सोच पाते कि हम जाएंगे तो जो गुणा भाग करते ना कि ऐसा होगा वैसा होगा तो ये फिर समर्पण नहीं है वो तो व्यापार है वो सेवा नहीं है व्यापार में होता है ना फायदा देखा जाता है कि इतना फायदा होगा कि नहीं होगा चलो इन्वेस्टमेंट तो करने जा रहे हैं पैसा तो लगाने जा रहे हैं पर कितना फायदा होगा कितना रिटर्न आएगा कितना प्रॉफिट होगा ये सेवा है ये समर्पण है और समर्पण ऐसे नहीं किया जाता है सूरत के सुंदर साथ से हम पूरे जीवन शिक्षा ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से समर्पण किया है उनको महाजर कहा है और आगे क्या कहते हैं तीन मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब ऐसे ब्रह्म सृष्टियों की सिफत कहाँ से है परम धाम से अखंड से है कुरान हदीसों में कही सबों ऊपर सिफत अब अब ब्रह्म की महिमा कुरान में हदीसों में भी लिखी गई है अब जहाँ मोमिन मोमिन करके लिखा है एक मोमिन का बल ऐसा होगा मोमिन का मरातबा ऐसा होगा मतलब उसकी शोभा ऐसी होगी जाहिरी मुसलमान क्या सोचते हैं कि हम मोमिन हैं हम सुन्नत हैं आज तो जैसे मुसलमानों में वैसे तो बहत्तर फिरके हैं सियाह है सुन्नी है बहाई है वहाबी है बरेलवी है देवंदी है हनफी है ऐसे बहुत सारे मत हैं उनमें सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है सर्वाधिक है अब वो सोचते हैं कि हमने सुन्नत करा ली है तो हम सुन्नी मुसलमान हो गए जबकि सुन्नत मुसलमान किसको बोलते हैं जिसका विश्वास ऐसा हो परमात्मा के प्रति कि सुनते ही ईमान लाने वाला हो जिसका ईमान कभी भी ड न डगमगाए जो ईमान दगमगाने के विषय में सोच भी नहीं सकता है उसको सुन्नत मोमिन कहेंगे अब यहां तो हमारे इतिहास में तो ऐसा हुआ है कि तैमूर लंग को देख लीजिए चाहे नादिर शाह को देख लीजिए तुगलक को देखिए औरंगजेब को देखिए बाबर हुमायूं और उससे पहले जितने भी आक्रांत आए हैं उन्होंने क्या किया अपने आप को मोमिन कहलाने के लिए अपने आप को धर्म सबसे बड़ा धर्म योद्धा कहलाने के लिए हिंदुओं को मारना उनकी हत्या करना यही उन्होंने सोचा कि ये सुन्नत का धर्म है ये मोमिन का धर्म है क्योंकि प्रसंग आता है कुरान हदीसों में कि एक एक मोमिन सत्तर हजार काफिरों पर भारी पड़ेगा सत्तर हजार काफिरों को मारेगा अब यह काफिर कौन है काफिर कहते हैं कुफ्र को बेईमानी को कते परंपरा में माना जाता है कि हमारे अंदर की जो हिरस हवाएं हैं नाडियां हैं वे सत्तर हजार है सत्तर हजार है जो कि वासनाओं का प्रतीक है यह सत्तर हजार एक निश्चित गिनती है वैसे तो वासनाओं को कोई पार ही नहीं है ना जब तक जीवन है तब तक पूरे जीवन भर भी वासनाओं का भोग करते रहे तब भी उसका पार तो नहीं पा सकते पर एक संख्या है कि हमारे अंदर वासनाएं बहुत अधिक है उन वासनाओं को जीतने वाला ही सच्चा मोमिन है यह बताया जा रहा है अब यहां जिन ब्रह्म सृष्टियों ने त्याग किया है उनकी महिमा को बताने के लिए कह रहे हैं तीन मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब और कुरान हदीसों में भी उनकी बात लिखी और ऐसे बात लिखी कि सो लिखी लो मफूज में कहत अल्लाह कलाम उसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है अल्लाह की वाणी कही जाती है और वो कैसी है लोह महफूज लोह महफूज किसको कहते हैं जैसे लोहे की तख्ती होती है उसमें खुदाई करके कोई चीज़ लिखी जाए जैसे पत्थरों में खुदाई करके लिखी जाती है ना टाइल वगैरह में किसी का नाम लिखा जाता है इसी तरह से लोहे की तख्ती में लिखी जाए तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है उसके लिए या तो फिर पूरा वो लोहा ही पिघलाना पड़ेगा नहीं तो मिटाने का कोई दूसरा उपाय तो है नहीं इसी तरह से लौह मोफूज का तात्पर्य यह है कि कति परंपरा में एक प्रसंग आता है कि लौह मोफूज एक स्थान है जहाँ पर लोहे की तख्ती में कुरान लिखा हुआ है और जबराइल वहाँ से आयतें ला ला करके मोहम्मद साहब को देता रहा है ऐसा एक प्रसंग है वास्तव में ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहां पर छपाई की गई हो पर यह है कि लोहो मतलब कभी मिट नहीं सकते इसी तरह से कुरान में जो बात लिखी गई है वह भी अकाट्य है अमीट है ये बताया जा जा रहा है तो इस तरह जिन ब्रह्म सृष्टियों ने त्याग किया उनके विषय में बता रहे हैं कि जिनो सेवा करी स्नेह सो तन मन दिया धन जिसने तन भी दिया मन भी दिया और धन भी दिया गोवर्धन जी हैं धन की सेवा कर रहे थे और भी काफ़ी सुंदर साथ हैं क्योंकि सूरत आज भी कहीं ना कहीं व्यापार का केंद्र है उस समय भी व्यापार का केंद्र ही था बहुत सारे सुंदर साथ थे जो धनाढ़ थे उनसे जितना हो पाया उन्होंने सेवा की और उन्होंने ये नहीं देखा कि चलो हम इतने अच्छे घर के लोग हैं और जाएंगे जगह जगह जग भटकेंगे तो हमारा क्या होगा वो चाहते तो अपने अपने घरों में आराम से रह रहे रह सकते थे तभी तो बीच बीच में कहीं ऐसे प्रसंग भी आए कि कुछ लोगों ने आरोप भी, भी लगाए श्री जी पर सोचिए तो उन्होंने क्या कहा सुख शीतल सो अपने घर में बैठे हते करार ये कहीं ना कहीं सुंदर साथ की अवस्था वैसी थी ना तो उन्होंने तन मन धन दिया उन्होंने धर्म की सेवा की और कहते हैं एक खासल खास मोमिन यही खासल खास ब्रह्म सृष्टि है जिन्होंने तन मन धन राज्य की सेवा में समर्पित किया है और वही ब्रह्म सृष्टि जो धाम से अवतरित हुए हैं उनको ढूंढने का ईश्वर सृष्टि को ढूंढने का कार्य राज्य ने सौंपा है यही थे ब्रजरास में हुए पूरन नहीं मनोरथ यही अखंड की सूरताएं ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि थी ब्रज और रास में भी और वहाँ मनोरथ पूरा न होने से मन की इच्छा पूरी न होने से तब तीसरो रचनों पड़ियो इन्हें दिखावन अरथ तब ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड रचना पड़ा उसकी रचना करनी पड़ी और यहाँ ब्रह्म सृष्टि आई है जिनको खासल खास उम्मत कहा है और उनको राज्य अब युक्तिपूर्वक जगा रहे हैं ताको जगावे जुगतसों जुगत सो दावत कर क्यामत दावत किसे बोलते हैं यहाँ तो बोलचाल में दावत का मतलब तो घर में कोई अच्छे से खाना वाना बनाया जाता है लोगों को बुलाया जाता है माहौल तैयार किया जाता है और खुशी मनाई जाती है उसको दावत कहते हैं दावत का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी अथवा खुशखबरी कयामत की बात को यहाँ पर दावत बताया है अब मुसलमान कयामत से डरता है उसका अनुवाद किया जाए कयामत को महाप्रलय भी कहते हैं लोग तो हिंदू भी डरते हैं कि महाप्रलय होगी तो क्या होगा अभी मान लीजिए कि अभी के अभी हर तरफ ये खबर दी जाए कि कल महाप्रलय होने वाला है सब डरेंगे कि नहीं और मान लीजिए कि 24 घंटे का समय दिया गया तो 24 घंटे की लोगों की समाधि लग जाएगी फिर न खाना रहेगा न पीना रहेगा कोई कुछ याद नहीं आएगी बस एकमात्र परमात्मा को याद करेंगे और दूसरा क्या याद करेंगे पता एक तो राज्य को याद करेंगे और दूसरा पूरे जीवन में किए गए कर्मों को याद करेंगे कि अरे हमने तो ऐसा किया वैसा किया अब परमात्मा के सामने राज्य के सामने जाना है तो क्या करेंगे बस फिर राज्य माफ करना माफ करना ये चौबीस घंटे लगा रहेगा इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं तो दोनों डरते हैं मुसलमान कयामत शब्द से डरता है हिंदू महाप्रलय से डरते हैं जबकि कयामत जो शब्द बना है वो बना है कियाम से कियाम का अर्थ होता है कायम करना अखंड करना अखंड तो ये तो खुशी की बात है ना हम इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे ये तो खुशी की बात है पर क्योंकि अर्थ को ढंग से समझा नहीं है और दूसरा तैयारी नहीं है पता है जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना उसको परीक्षा आने पे खुशी होती है किस बात की खुशी होती है कि चलो अब मैं अगली कक्षा में जाऊंगा मान लो जो दसवीं में होगा वो सोचेगा कि अच्छे मार्क से पास हो जाऊंगा और ग्यारहवीं में जाऊंगा क्यों क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई पर भरोसा है लेकिन जिस विद्यार्थी ने पूरे साल भर कंचे खेले हों टीवी देख करके और इधर उधर घूम फिर करके समय बर्बाद किया हो तो वो क्या करेगा वो परीक्षा से डरेगा कि अब गए भाई अब तो पिताजी की बेल्ट पड़ने वाली है है ना इसी तरह से हमारी भी परीक्षा यही है परीक्षा ऐसे वैसे हर किसी की थोड़ी होती है महामती कहे परीक्षा तीन की जो पहले हुए निर्मल जिनमें पहले से निर्मलता होती है अर्थात जो पहले से तैयार होते हैं उनकी ज्यादा परीक्षा होती है और स्कूल में भी आप देखेंगे और आपने देखा होगा महसूस भी किया होगा कि एक जो आलसी विद्यार्थी है बहानेबाज वो व्यक्ति यदि 50 प्रतिशत भी ले आता है तो उसको ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता पर जो विद्यार्थी ब्रिलियंट है वो अगर दो नंबर भी कम ले आता है तो सब सोच में पड़ जाते हैं टीचर बुला के पूछते हैं कि तुम्हारे दो नंबर कैसे कटे दूसरे वाले की पचास कट रहे पर उसको कोई पूछने वाला नहीं है पर जो प्रतिभाशाली परिश्रमी विद्यार्थी है उसके दो अंक कम होना भी पढ़ाने वाले को भी गवारा नहीं होता इसलिए वो उसको और सख्ताई करता है इसी तरह से जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है जो तैयार है परीक्षा उसी की ली जाती है और वही आगे बढ़ता है और जो निठल्ला है वो पूरे जीवन भर उसी में लगा रहता है देखने के लिए ऐसा लगता है हमारे यहाँ कई बार विद्यार्थी भी सोचते होंगे या हर जगह के विद्यार्थी ऐसा ही सोचते हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत करने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो देखो वो कितना खुश है टीवी देख रहा है पिक्चर देख रहा है मोबाइल चला रहा है गेम खेल रहा है बाइक में घूम रहा है सोचते हैं विद्यार्थी लेकिन जो अभी एक दो साल मौज में है वो बाद में पूरे जीवन मजदूरी करता है हाँ यदि समय पर सुधार कर लिया तो उसका भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है अच्छा लेकिन आपने जो कुछ समय के लिए परिश्रम किया है तो वो परिश्रम पूरे जीवन भर फलदायक होता है लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते तो यहां ब्रह्म सृष्टियों की जो बात की जा रही है जागनी की परीक्षा की बात की जा रही है कि कयामत जाहिर वही करेंगे वो ब्रह्म सृष्टि कयामत की खबर देंगे और कहते हैं सकुंडल सकुमार को चले जगावन काज श्रीमुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए ले आओ श्री मिहराज श्री देवचंद्र जी ने अपने मुख से श्री श्री मिहरराज जी को कहा था देवचंद्र जी ने कि सकुंडल और सकुमार की जागनी होनी है उनकी जागनी करनी है और जागनी ऐसे तो होगी नहीं शकुंडल और सकुमार प्रमुख हैं उनसे आगे और बड़ा काम होना है तो जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी ही बड़ी बाधा आती है तो अब बाधा क्या है कुली कलयुग जिसको कहा है माया अथवा दज्जाल तो कहते हैं कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम देह बुध छुड़ाए के ल्याओ बुद्ध आत्म ये बहुत मुश्किल है क्या कह रहे हैं कि देवचंद्र जी ने मिहिर राज जी को ये प्रबोधित किया समझाया कि शकुंडल सकुमार की जागनी होनी और संभव कैसे है कलयुग से दज्जाल से लड़ाई करेंगे तब दज्जाल कौन सा अज्ञानता वाला कलियुग कौन सा अज्ञानता माया ये सब एक ही है कोई कलियुग कहे दज्जाल कहे माया कहे अज्ञानता कहे भ्रम कहे संशय कहे ये सब एक ही है अब इससे युद्ध होगा युद्ध कैसे जीता जा सकता है जब हम देह बुद्धि से ऊपर उठेंगे आत्मबुद्धि ले आएंगे तो जीतना सरल होगा क्योंकि आत्मबुद्धि लाए इसका मतलब यह है कि आपके पास अब अज्ञानता नहीं पहुंच सकती आत्मबुद्धि लाने का मतलब सामान्य रूप में हम माया से लड़ाई कब हार जाते हैं जब हम जीव भाव में होते हैं आत्मभाव आया मतलब लड़ाई जीत चुके हैं आप जब हम शरीर भाव में हैं क्या है जैसे कि मैंने पहले ही कहा कलयुग मतलब अज्ञानता योग दर्शन में अविद्या की व्याख्या करते हुए पतंजलि मुनि क्या कहते हैं अनात्म को आत्म समझना और दुख को सुख समझना चेतन को जड़ समझना असुचि अर्थात अपवित्र को पवित्र समझना यही तो अविद्या है तो यहाँ एक मुख्य बात आई अनात्म को आत्म समझना अनात्म कहते हैं जड़ को शरीर जड़ है कि चेतन शरीर है जड़ चेतन कैसे है जब अंदर आत्मा विराजमान है तब यह शरीर चेतन है यदि चेतना निकल जाए तो शरीर जड़ होगा इसको यदि हम सब कुछ समझते हैं अब शरीर बुद्धि का तात्पर्य क्या है शरीर संसार इन दो चीजों को अपना समझना और शाश्वत समझना ये अज्ञानता है यदि हम ये समझ गए कि शरीर नस्वर है जो व्यक्ति शरीर की नश्वरता को समझ जाता है उसके कर्म वैसे ही सुधरने शुरू होते हैं मनुष्य गलत कर्म कब करता है जब शरीर की नश्वरता को नहीं समझता या फिर जो इस नश्वर शरीर को सदा के लिए रखना चाहता है आपने जितने भी राक्षसों का दुष्टों का नाम सुना होगा वे सभी राक्षसी कर्म दुष्ट कर्म क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने काल को जीत लिया है रावण भी यही सोचता था वरदान प्राप्त करके हिरण्य कश्यप भी यही सोचता था कंस भी सोचता था कि मेरे काल को तो मैं मरवा दूंगा वसुदेव देवकी की को जेल में डाला उसने ऐसा ही सोचा तो जितने लोगों को मृत्यु का डर रहता है वे कहीं ना कहीं फिर भी पाप कम करते हैं और जिन लोगों को मृत्यु का डर नहीं होता है वो पाप कर्म में लिप्त होते हैं तो कुल मिलाकर के मूल में यही है कि शरीर भाव में रहने से पाप है या पाप कर्मों की शुरुआत होती है और आत्मभाव में रहने से पाप कर्म नहीं होते तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्री जी देह बुद्ध छोड़ा के ल्याओ बुद्ध आत्म, शरीर भाव छोड़कर आत्मभाव लाना है अब कह तो रहे हैं पर यह करना इतना सरल नहीं है हम जब चितवनी में भी बैठते हैं तो कहना पड़ता है कि यमुना जी में स्नान करके हमने परात्म का श्रृंगार किया बोलते हैं कि नहीं बोलते आत्मा का श्रृंगार कैसा है आत्मा और परात्म में कोई फर्क थोड़ी है परात्म जो है वो आत्मा आत्मा परात्म का प्रतिबिंब समझ लीजिए जो मूल स्वरूप है अपनों जाको कहिए परात्म ऐसा बोलते हैं तो कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए अब जब हम चितवनी बै, में बैठ रहे हैं अभी लगी नहीं है हम क्या सोचते हैं मैं सोचूंगा कि मैं अपने आप को अशोक का भाव ले लूँगा आप अपने आप को अपने अपने हिसाब से नाम और शरीर के हिसाब से इस शरीर का जो नाम होगा वो भाव लेंगे इसलिए तो हम चितवनी में आगे नहीं बढ़ पाते इसलिए मैंने कहा ये जितना सरल लग रहा है देह भाव देह भाव को देह बुद्धि को छोड़ना इतना सरल नहीं है और ये आत्मभाव ऐसे ही नहीं आ जाता इसके लिए तो लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है लगातार लंबे समय तक वैराग्य की आवश्यकता होती है जब हमारे अंदर वैराग्य आएगा अभ्यास आएगा और फिर हम बारंबार तप करते रहेंगे लंबे समय तक स्वाध्याय करते रहेंगे परमात्मा के प्रति ईश्वर प्रणिधान करेंगे क्या कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रिया योग हैं बारंबार लंबे समय तक इनका अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारे अंदर की देह बुद्धि कम होती जाती है और आत्मभाव आता जाता है फिर जैसे जैसे इन सब के साथ साथ में कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि पहले यम नियम का पालन करेंगे पहले हम थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बाद चितवनी करना शुरू करेंगे पर ऐसा नहीं है साथ साथ में जब हम चितवनी भी करते जाएंगे तो उन चीज़ों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है जो हम तप कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं इन सब का प्रभाव साथ में और अधिक बढ़ जाता है हम चाहें कि नहीं पहले ये करेंगे फिर बाद में वो करेंगे ऐसा नहीं होता फिर बाद में कभी नहीं आएगा तो इस तरह से देह बुद्धि समाप्त तो होगी और आत्मभाव आएगा अब हमें यही करना है फिर कहते हैं जब ऐसा होगा देह बुद्धि समाप्त होगी आत्मभाव आने पे क्या होगा एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान क्या होगा एक धर्म होगा धर्म तो एक ही है पर क्या हो रहा है कि जितने भी मत मतांतर संप्रदाय हैं वे किससे जुड़े हुए हैं आत्मा का है धर्म शरीर का है संप्रदाय है। ये मैं कैसे कह रहा हूं क्योंकि धर्म तो एक ही है ना धर्म है शाश्वत धर्म है सनातन पर जितने भी मत मतांतर संप्रदाय बने मैं धर्म को सनातन कह रहा हूं लोग इसको गलत तरीके से ना लें मुझे लगता है कि इसमें ना स्पष्ट इस रूप से बताना आवश्यक है कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते देखिए जो अनादि है सत्य है सनातन है वही वास्तव में धर्म है इसके अलावा चाहे हिंदू है जिसको हम हिंदू नाम दे देते हैं या मुसलमान है सिख है ईसाई है जैन बौद्ध इतने जितने मत मतांतर हैं फिर हिंदुओं में एक हज़ार से अधिक मतपंथ हैं मुसलमानों में बहत्तर के आसपास बहत्तर मतपंथ हैं बहत्तर सम्प्रदाय हैं फिरके हैं ईसाई मत में तेरह चौदह मतपंथ हैं ये सभी जितने भी हैं जैन बौद्ध इत्यादि भी ये सभी कहीं ना कहीं शरीर भाव से ही है कैसे कि जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों की शुरुआत किसी न किसी व्यक्ति से हुई है संसारी व्यक्ति से और उससे जुड़ करके उसका नाम पड़ा है जैसे रामानुज संप्रदाय है तो रामानुजाचार्य से शुरुआत हुई है निम्बार्क संप्रदाय है तो निमानुज नियमानंद के नाम से है विष्णु स्वामी इससे विष्णु श्याम चला माधवाचार्य से माधवाचार्य मत चला इस तरह से बहुत सारे मत मतांतर ऐसे हैं तो संप्रदायों का नाम भी किसी न किसी के शरीर के नाम से जुड़ा है एक दूसरा आप किसी व्यक्ति को बाहरी वेशभूषा देख करके ही बता पाएंगे या बताएंगे कि ये इस मतपंथ का है लेकिन इसको हम स्वाइप भी कर सकते हैं एक हिंदू व्यक्ति यदि छोटा पजामा लंबा कुर्ता और नमाजी टोपी पहन ले वो हिंदू परिवार में उत्पन्न हुआ है नाम भी उसका हिंदू है पर एक्टिंग करने के लिए नाटक करने के लिए तो आप थोड़ी पहचान पाएंगे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है आपने क्या देखा आपने देखा उसकी वेशभूषा को वेशभूषा किस पर आधारित है शरीर पर तो संप्रदाय किससे चला शरीर से किसी व्यक्ति को हिंदू आप कैसे समझ रहे हैं उसके माथे पर चंदन है गले में कंठी होगी अगर या फिर उसके वस्त्र से यदि धोती कुर्ता पहना है या भगवा वस्त्र पहना है जनेऊ दिखाई पड़ रही है शिखा दिखाई पड़ रही है तो आप उसको हिंदू समझ रहे हैं लेकिन यदि इससे वास्तव में हिंदू होना होता आज मान लीजिए कि लव जिहाद का चक्कर बहुत सुनाई पड़ता है तो यहां पर मुसलमान ही क्या करते हैं हाथ में कलावा बांध लेते हैं तो आप क्या सोच रहे उसको वो हिंदू है तो वेशभूषा से हिंदू कैसे हो गया केवल चंदन पहनने से तिलक पहनने से कैसे हो गया और यहां तक कि हिंदुओं के मंदिर तक में जाते हैं वो लेकिन फिर भी वो हिंदू नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या है वेशभूषा से कोई हिंदू भी नहीं है कोई मुसलमान भी नहीं है अब ईसाइयों की वेशभूषा कुछ अलग है गले में क्रॉस डाल लेते हैं या फिर विशेष प्रकार की वेशभूषा पहन लेते हैं उनको आपने ईसाई मान लिया वही वेशभूषा कोई हिंदू व्यक्ति पहन ले तो तो ये जितने भी वेशभूषाएं शरीर पर पहना जाने वाले हैं आत्मा का श्रृंगार इन सब चीज़ों से नहीं होता है और आत्मा का धर्म इसीलिए इससे अलग है तो जो धर्म है वो आत्मा का है धर्म है वह चेतना का है धैर्य क्षमा इंद्रिय दमन इंद्रियों का निग्रह शौच अर्थात पवित्रता बुद्धि विद्या सत्य क्रोध इत्यादि जितने लक्षण हैं ये सभी लक्षण चेतना के हैं चेतना जिस शरीर पर बैठे उस शरीर को उसका पालन करना होता है तो इसलिए धर्म शाश्वत है सनातन है और चूंकि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं निजानंद संप्रदाय में जितने भी लोग हैं या प्रणामी मत में जितने लोग हैं वो तो बार बार इस्लाम मत की बात करते हैं मोहम्मद साहब का बार बार वर्णन करते हैं कुरान पक्ष की बात करते हैं तो ये मुसलमान हो गए वास्तविकता उनको आधी अधूरी जानकारी है और पक्षपातपूर्ण मानसिकता से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है ना क्योंकि वो तो शरीर भाव है तो वो हमेशा आधी अधूरी बात लेगा और उसके स्वार्थ की बात को वो पकड़ करके चलता रहेगा जैसे वो घोड़ा होता है ना घोड़े को यहाँ पर वो कुछ बांधा रहता है कि इधर उधर देख ना सके ऐसे ही घोड़े की तरह चलते जाते हैं वास्तविकता ये है कि दुनिया में जितने भी मत पंथ हैं उन मत पंथों में जितनी भी अच्छी बातें हैं वे सब सनातन मत में पहले से ही है लेकिन यहाँ जब भी मैं सनातन मत कहूँ तो वहाँ मैं पुराण की बात नहीं कर रहा पौराणिक की बात नहीं कर रहा क्योंकि पुराणों में इतनी मिलावट है कि आज का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग उसको पढ़ेगा तो मान ही नहीं सकता बिल्कुल अवैज्ञानिक है बहुत सारी चीज़ें आलंकारिक वर्णन है वो मैं समझ सकता हूँ पर मिलावट इतनी हो गई है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको मान ही नहीं सकता हाँ जो बात वेद में कही है वो शाश्वत सत्य है जो बात उपनिषदों में कही है जो दर्शनों में कही है वो बात शाश्वत सत्य है और जितने भी मत मतांतर में कोई अच्छी बात है तो वो हर जगह पर सनातन मत का ही प्रभाव है इसलिए जो आत्मा का धर्म है जब सब लोग उस बात को मान लेंगे वेशभूषा भाषा के बंधन से परे उठ करके जहाँ सत्य दिखेगा उसको स्वीकार करेंगे तो क्या होगा धर्म विरोध धरा मिने करता कुली दज्जाल ताको मारो सिताबसों जो होवे सब खुशाल एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान देव वेद कतेब की साहेदी जो ल्यावे सब ईमान वेद और कत दोनों पक्ष की साक्षी को कौन व्यक्ति मान सकता है जो व्यक्ति निष्पक्ष हो जो व्यक्ति अपने आत्म धर्म को मानता हो पक्षपातपूर्ण मानसिकता से ग्रसित तो होकर के मुसलमान क्या करते हैं उनको तो चाहिए कि उर्दू अरबी फारसी में हो तो वह श्रेष्ठ है और संस्कृत में हो या हिंदी भाषा में हो तो वह निकृष्ट वो तो यही मानते हैं और जो कट्टर हिंदू हैं सांप्रदायिक विचारधारा है के वो भी कहते हैं कि नहीं कुरान जो है वो मुसलमानों की है तो उसमें जो कुछ लिखा है सब गलत ही गलत है लेकिन मान लीजिए कि एक सच्चे हृदय से स्वच्छ हृदय से सत्य को स्वीकार करने की प्रवृत्ति से यदि हम ये बात मानते हैं कि जैसे जो कलमा पढ़ा जाता है उसमें कहा गया है ला इलाह इलीह मोहम्मद रसूल अल्लाह कि ला इलाह और इलीह मतलब क्षर उससे परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत और जिनमें से जो मुहम्मद है वो परमात्मा के अथवा अल्लाह के रसूल है अथवा संदेशवाहक है अब क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात गीता में ही की गई है द्वामौ पुरुष क्षर अक्षर एवं चर सर्वाणी भूतानी कुटस्थो अक्षर उच्चते तो जहां उधर छरक्षर अक्षराती तो हम संस्कृत में कह रहे हैं उसको वो लाइला और इली ला कह रहे हैं तो भाषा का भेद यदि हटा दिया जाए तो बात तो एक ही है हाँ जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि कुरान में जो मिलावट की गई है मिलावट की वजह से मुसलमानों ने मुहम्मद साहब के जाने के बाद से ही ऐसा नहीं कि अभी नया नया किसी ने मिलावट कर दिया और ताज़ा ताज़ा मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनकी गादी पर जो भी बैठे उनके स्थान पर जो भी लोग बैठे शुरू में जैसे अबू बकर इत्यादि हुए इन सब ने स्वार्थ बस मिलावट की यजीद ने मुआविया ने सब ने अपने अपने हिसाब से मिलावटें की और बाद में जितने भी लोग आए जहाँ जहाँ उनको लगा एक तो मिलावट और दूसरा ऊपर से गलत अर्थ करना एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा तो वहां से जिहाद का गलत अर्थ लगाना शुरू हुआ वहां से धर्म युद्ध का सुन्नत का मोमिन का गलत अर्थ लगाना शुरू हुआ और धर्म के नाम पर सबसे बड़ा झगड़ा वहीं से शुरू किया गया अन्यथा यदि वेशभूषा और भाषा का फर्क यदि हटाएं तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है जो मिलावट की चीज़ों को निकाल दी जाए तो उसमें भी धर्म की वही बात बताई गई है उसमें भी उसी एक परमात्मा की बात बताई गई है जो कि हमारे सनातन मत में है अब आगे क्या कहते हैं कि जो लड़ाई की बात कर रहे हैं कलयुग से कहते हैं तीन लड़ाई के बखत में जिनों करी मदद की मेहनत इन जुमा करी न जाए सिफत उस समय दज्जाल से लड़ाई करते हुए जिस जिस सुंदर साथ ने मदद करी अर्थात जिन ने सेवा की उनकी सेवा का वर्णन इस जुबा से इस जीवा से नहीं किया जा सकता उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता देखिए शुरुआत में रास्ता बनाना सबसे मुश्किल काम होता है उस पर चलना सरल होता है जैसे मान लीजिए कि ज्ञानपीठ है अभी राज्य की मेहर से इस अवस्था में है कि यहाँ किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति नहीं है वैसे तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानपीठ में आ रहा है सेवा के लिए तो वो उसका त्याग है उसकी महिमा है लेकिन जैनपीठ में जो शुरुआत में रह करके जब बन रहा था उस समय रह करके जिन्होंने सेवा की सबसे बड़ा त्याग तो उन्हीं का माना जाएगा ना जैसे उदाहरण के लिए हमारे चंद्र गुरु जी हैं स्वामी जी ने स्थापना की शुरुआत कर दी पर सबसे प्रारंभ में आकर के जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर दीवाल तो अभी दिख रही है ना उस समय कुछ नहीं बाउंड्री वाल भी नहीं था केवल जंगल ही जंगल ये इलाका ऐसा था कि यहाँ शाम के पाँच बजे के बाद ये रोड में भी रोड भी बहुत ख़राब हुआ करता था तो यहाँ से निकलते हुए जाने में भी लोगों को डर लगता था पाँच छः बजे के आसपास यहाँ रात को कितनी ही बार फायरिंग होती थी ऐसे समय में चंद्र गुरु जी रहे एक पुजारी जी थे हमारे परमानंद पुजारी जी वो रहे उसके बाद हमारे सच्चिदानंद भ्राता जी हैं विद्यार्थी हैं आचार्य विजय जी हैं मैं तो खैर उसके एक दो महीने के बाद आया हूँ पर प्रारंभ में इन लोगों ने जो सेवा की ये जो टिके रह गए तो उनकी देखा देखी बाद में लोगों ने करना शुरू किया ना बाद में किया वो भी त्याग है पर शुरुआत में जो रास्ता दिखाते हैं उनका त्याग सबसे बड़ा माना जाता है तो यहां पर भी सेवा सब लोगों ने की पर शुरुआत में होता है ना जैसे मान लीजिए कि नदी की गहराई नापनी है तो जो पहले कूदेगा भले ही पानी कम हो लेकिन हिम्मत वाला कौन है जो पहले कूद रहा है पानी कम है ज्यादा उसको पता ही नहीं बाद में आने वाले लोग ये देख के कूद रहे हैं कि अच्छा पानी कम है पर पहले वाले को पता नहीं था इसी तरह से जो सूरत के सुंदरसाथ कूद गए ना केवल राज्य का नाम लेकर के बाद में तो सुंदरसाथ की देखा देखी कि अच्छा पांच लोग चल सकते हैं तो चलो हम भी चलते हैं धीरे धीरे करके पन्ना जी तक पहुंचते पहुँचते पांच हजार की संख्या हो गई तो इसीलिए सूरत की जो सूरत के जो सुंदर साथ हैं उनकी महिमा है कहते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन करी न जाए सिफत उनकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता है तिनके नाम कहते सुनियो चित्त दे साथ कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ धाम धनी ने उनको हिम्मत दी कुवत मतलब सामर्थ्य क्योंकि वो हिम्मत भी कैसे आती है ऐसे थोड़ी आ जाएगी राज जी जिसको बल देंगे वही लोग हिम्मत कर सकते हैं पर हाँ अपने तरफ से थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है ऐसा नहीं कि राज जी कोई कान में फूंकने आएंगे कि चलो जागने के लिए निकलो सेवा के निकलो सेवा के लिए निकलो मैं तुम्हें मदद दूंगा ऐसे बोलने थोड़ी आएंगे और यदि राज जी ने पहले से ही बता दिया कि नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होने वाला फिर हम कूदे तो समर्पण ही कैसा समर्पण तो एक ही कुछ पता नहीं बस लग गए उसके बाद राज्य जी ने हिम्मत दी और पूरे जीवन भर उन्होंने उस सेवा के व्रत को निभाया उनके नाम आगे बताने जा रहे हैं कहते हैं संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास इनको श्री धाम धनी बिना और न उपज्यास उन सुंदर सात को किसी और से कोई उम्मीद नहीं है हमें तो उम्मीद रहती है हम जब जागने के लिए कहीं निकलेंगे तो हमें सुंदर सात से उम्मीद रहती है कि सुंदर सात हमारी ये इच्छा पूरी कर दे सुंदर साथ हमारी ये आवश्यकता पूरी कर दे कहीं ना कहीं रहती है लेकिन उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं ना आज तो हमें पता होता है हम कहीं पर कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो पहले ये कि कौन कार्यक्रम करा रहा है वो कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति कितना सामर्थ्यवान है वो कितनी सेवा दे सकता है इस तरह की बातें हम सोचते हैं इनको पता नहीं है आज हम मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि सरसावा से गुजरात जाना हो किसी कार्यक्रम के लिए तो हम रास्ते में यदि चाहें यदि हम चाहें तो रास्ते में तीन चार जगह पर फ़ोन करके अपने लिए खाना मंगा सकते हैं कि सुंदर जी हम आ रहे हैं फलाने स्टेशन पर इतने बजे पहुंचेंगे हमें खाना पहुंचा दीजिएगा वैसे तो हम पैकिंग करके चलते हैं पूरी व्यवस्था करके चलते हैं लेकिन यदि हम करके ना भी चलें तब भी हम फोन करेंगे और सुंदर बेचारे सेवा भी करेंगे पर उस समय तो ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं मुझे आज सुबह ही किसी ने पूछा था अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पर हमारे ज्ञानपीठ के कोई आचार्य थे विद्यार्थी थे पता नहीं पर उन्होंने पूछा कि आजकल तो हमें मान लीजिए कि दस बीस लोगों को कहीं जाना है तो हम पहले से योजना बना लेते हैं और किसी के घर पे भी जाना है तो पहले से बता देते हैं कि हम आने वाले हैं तो व्यवस्था करके रखते हैं अब 500 की जमात थी और उस समय तो ये भी नहीं बता पाते होंगे कि हम वहाँ पर आने वाले हैं तो व्यवस्था कैसे होती होगी मैंने कहा कि पहली बात तो व्यवस्था होती नहीं थी जाके खुद करनी पड़ती थी और दूसरा यदि कोई करने वाले होंगे भी तब भी अचानक से तभी तो उनको अतिथि कहा जाता था ना जिनके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो तो अचानक से पहुंच जाते थे और तुरंत ही सेवा करनी होती थी इसीलिए अब मान लीजिए कि पहले से योजना है तो करना आसान होता है लेकिन पता ही ना हो तो करना थोड़ा और कठिन होता है इसीलिए अतिथि को देवता का रूप दिया जाता है अतिथि देव भव कहा जाता है पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से व्यवस्था की जाए कहते हैं संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास इनको श्री धाम धनी बिना और न उपज्यास उनको न किसी से ये उम्मीद है कि हमारे लिए व्यवस्था करके रखा जाएगा हमारे सोने की व्यवस्था कहाँ होगी हमारे अगर क्योंकि सुंदर साथ में कई तो ऐसे भी होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे तभी तो दिल्ली में पहुंचने पर प्रसंग आता है ना छोटे बच्चों को अलग जगह पर रख दिया गया वयोवृद्धों को अलग जगह पर रख दिया गया तो ये नहीं सोच रहे कि हमारे लिए रहने की कौन सी जगह होगी हमें वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम तो नीचे नहीं बैठ सकते तो हम हमें पलंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम इस तरह का नहीं खा सकते हमें इस प्रकार की बीमारी है तो हमें इस तरह का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वृक्ष के नीचे सोना है या फिर अन्न खाना है कुछ अतापता नहीं पर चले इसलिए उन सुंदर सात की सेवा सबसे बड़ी है जब तक ये जागनी ब्रह्मांड रहेगा तब तक इस तरह से कर सेवा करने वाले हर सुंदर साथ का नाम पूरे गौरव के साथ में लिया जाएगा आज जिनके भी हृदय में सच्ची भावना होती है उन सुंदर साथ के प्रति तो इस तरह की बात करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कैसा समर्पण किया कई बार हम समर्पण की परिभाषा देखने के लिए हम दूसरा उदाहरण देते हैं जिन्होंने समर्पण किया अपना पराया नहीं है जिन्होंने भी समाज के लिए कुछ किया है वो हमारा ही है पर एक उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके चार पुत्र रहे हैं है ना? उन चारों पुत्रों ने समर्पण किया अपनी जान दे दी धर्म की रक्षा के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय में बताया जाता है पर हमारे भी में भी कम उदाहरण तो नहीं है ना हाँ राज जी ने इस तरह से लीला की कि, कि किसी को भी अपनी जान नहीं देनी पड़ी पर समर्पण ऐसे कम नहीं हो जाता कि नहीं मरे तो कम समर्पण होगा ऐसा थोड़ी है परिस्थिति के हिसाब से समर्पण की अपनी अपनी परिभाषा होती है तो हमारे समाज में समर्पण के उदाहरण कम नहीं है हाँ केवल हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है अब उन सुंदर सात के नाम लिए जा रहे हैं सबसे पहले तो कौन है श्रीजी संग बाई जी सबसे पहले तो क्योंकि जो आगे चला है उन्हीं का नाम आएगा बाकी सुंदर साथ तो उनकी पीछे पीछे चल रहे हैं तो सबसे पहले श्री जी और बाई जी साथ में और भट्ट गोवर्धन गोवर्धन भट्ट का नाम आया है इसमें बहुत सेवा की है उन्होंने सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन तन और धन दोनों से सेवा की मन से नहीं की ना यहां, जहां मन होता है वहीं तन और धन लग सकता है बिना मन के तो तन थोड़ी लगेगा आपकी इच्छा ही नहीं है तो शारीरिक सेवा आप कैसे करेंगे या धन कैसे देंगे तो यहां मन हमेशा छिपा हुआ है पर मन को देखा नहीं जा सकता है ना बिना मन के तो यशमान नरिते किंचन कर्म तन में मन शिव संकल्प मस्तु जिस मन के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है तो तन मन धन से सेवा की और सुंदर साथ में धन्य धन्य हुए उस समय भी हुए और आज भी वे धन्य धन्य हैं परम धाम में जागृत होने के बाद भी उन सब सुंदर साथ की जो सेवा है वो वहाँ पर रील में याद कराई जाएगी कि देखो इन्होंने ऐसी सेवा की इन्होंने पूरा सूत काता है बारीक सूत काता है और अपनी जो क्षमता थी उससे अधिक सूत काता है अब साथ में भीम भाई भली भांत सो निकस्या तन ले धन तन भी लेकर के चले जो धन होगा उनके पास ये सोच करके जो धन भी लेकर के चले और पूरी सेवा पूरी उम्र भर उन्होंने सेवा की गाय प्रेम वचन राज्य की वचन को गाने की सेवा की नाग जी अतिने सो छोड़ कुटुंब की आस तन मन धन सब ले चला पाया खिताब गरीबदास नागजी भाई भी तन मन धन लेकर के चले और इतनी ऐसी सेवा की कि उनको श्री जी ने गरीब दास की शोभा दी गरीब दास किसे कहते हैं गरीब का मतलब धन ना होने वाला कंगाल नहीं गरीब का मतलब विनम्र नागजी भाई जी के अंदर की विनम्रता का भाव देख करके उनको श्री जी ने गरीबदास की शोभा दी इस तरह से इसी तरह से श्याम भट्ट हैं वेदांत के वचन गागा करके सुनाते रहे कुछ समय तक साथ में चले उसके बाद फिर पुनः किसी कारण से वे अपने घर चले आए इस तरह नाहना भाई है पांकड़ी है कान जी है जमुना बाई है छबील दास है जमुना बाई के पुत्र जिन्होंने अंतिम समय तक जल पिलाने की सेवा की और धारा भाई भी कुछ दिन तक साथ में रहे थे काफ़ी समय तक पत्री वगैरह पहुंचाने की वो सेवा करते थे लाल बाई चले क्योंकि लालदास जी आए हैं तो लालदास जी की पत्नी है लाल बाई उनकी बेटी श्याम बाई फिर राम राय इस तरह से बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका नाम इस यहाँ पर लिया गया है आगे कहते हैं अब सूरत से वो काफिला निकला पाँच सौ सुंदर साथ का और सूरत से निकल के सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात सूरत भी तो गुजरात में ही आता है ना पर उस समय गुजरात का तात्पर्य अहमदाबाद से है तो जब सूरत शुर, श्रीजी सूरत से निकले अहमदाबाद पहुंचे और वहां चार दिन रहे चार दिन तक जो भी जागनी का कार्य किया होगा उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करके श्री जी पहुँचे <coughs> सिद्धपुर सिद्धपुर में श्री जी रहते हैं बाईस दिन ये बाईस दिन का दूसरा प्रसंग है पहले जो नौ वर्ष के वियोग के बाद में मिहिरराज जी और श्री देवचंद्र जी मिले थे और बाईस दिन तक साथ में रहने के बाद देवचंद्र जी का अंतर्ध्यान हुआ था ये दूसरा प्रसंग है सिद्धपुर एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था और जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर कुछ पंडे होते हैं जिनको तीर्थ गुरु कहा जाता है और वे पंडे क्या करते हैं देखिए कुछ हद तक ये अच्छा भी है और हाँ पौराणिकता बहुत अधिक घुस गई है तो फिर कुछ ना कुछ विकृति भी है अच्छा ये है कि आप कहीं पर पंडों के पास चले जाइए हरिद्वार में चाहे वाराणसी में तो वहाँ जाकर के आप अपने यदि आपके कोई भी पूर्वज उस स्थान में गए होंगे हरिद्वार बनारस या प्रयागराज कहीं पर भी और आप अपने पूर्वज का नाम बता देंगे ना तो वो आपके पूरे परिवार का बायोडाटा बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी गए तो बता देंगे कि अच्छा तुम्हारे दादा का नाम ये था तुम्हारे परदादा का नाम ये था उनके पिता का नाम ये था उनके पिता का नाम ये था ऐसे करके पूरे गोत्र तक पहुंचा देते हैं क्योंकि इनके पास में ये लिखित रूप में सुरक्षित होता है आज भी तो इस हिसाब से एक इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा पक्ष है कि आप अपने परिवार का इतिहास जान सकते हैं यदि आपके परिवार में कोई महापुरुष हुए हैं तो उसके विषय में जान करके उनसे सीख करके गौरवान्वित हो सकते हैं लेकिन विकार पौराणिक विकार इसलिए आ गया है क्योंकि इन स्थानों में जैसे आ, पितरों के नाम पर पिंडदान किया जाता है श्राद्ध तर्पण इत्यादि कराया जाता है जो कि पौराणिक है जिसके पीछे कोई भी वैदिक मान्यता नहीं है तो इसमें थोड़ी विकृति है अब वहाँ उस स्थान में तीर्थ गुरु के रूप में एक व्यक्ति मिले उनका नाम था भगवान दास रेवादास उपाध्याय तीर्थ गुरु का तात्पर्य है जैसे आजकल किसी आ, पर्यटकीय स्थल पर जब हम जाते हैं ना टूरिस्ट प्लेस पर तो वहाँ गाइड होते हैं वो गाइड क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्र है मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आप गए झांसी देखने के लिए वहाँ का किला देखने के लिए तो वो गाइड बताएंगे कि ये जो किला है ये झांसी इसको झांसी की रानी का किला बोलते हैं और ये पीछे एक स्थान है यहाँ पर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वो घोड़े के साथ में कूद गई थी इस तरह से वो बताएंगे ना किसी भी स्थान पे जाएंगे तो वहाँ की बात बताने वाले वहाँ का महत्व बताने वाले इसी तरह से भगवान दास रेवादास उपाध्याय ये काम करते थे कि वहाँ जितने भी मंदिर होंगे उन सभी मंदिरों का परिचय देने वाले वहाँ के अलग अलग स्थानों का ऐतिहासिक महत्व बताने वाले तो इस तरह तीर्थ गुरु के रूप में मिले भगवान दास रेवादास उपाध्याय और 22 दिन तक साथ में रहे जब श्री जी वहाँ से विदा लेने वाले थे वहाँ से निकल कर के पालनपुर पहुँचे ये भी साथ साथ में चले अब उनको वापस लौटना होगा तो श्री जी ने इशारा किया कि कुछ दे देना इनको तो एक मुहर दी एक मुहर मतलब सोने की जो मुद्रा होती है ना एक मुहर बोलते हैं उसको तो एक सोने की मुद्रा दी उनको तो अब उनके मन में थोड़ा लालच आया सोचते हैं कि इतने सारे लोग हैं जब ये एक है तो और भी हो सकता है एक और देते तो और, और अच्छा होता मेरे लिए तो उन्होंने कहा कि एक और दे दीजिए लालच की थोड़ी तो गोवर्धन जी कहते हैं कि तुम लौकिक धन मांग रहे हो जिनसे लौकिक धन मांग रहे हो उनके स्वरूप की पहचान करो और उनसे अलौकिक धन मांगो और उस पर विश्वास ले आओ तब क्या किया तब अर्ज करी भगवान ने लगा दो कदम पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्मा भगवान दा, दास रेवादास श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि आप मेरी आत्मा को जगा दीजिए मेरे परात्मा की पहचान करा के मुझे जागृत कर दीजिए अब क्या करते जाते जाते कितना करेंगे अब तो श्री जी निकल चुके हैं हमारे सुंदर साथ में भी क्या होता है बताए कि जैसे आजकल तो यूट्यूब का समय है फेसबुक का समय है हजारों घंटे की चर्चा अब तो उपलब्ध है आप एस पी जैन के यूट्यूब में जाएंगे तो कम से कम ग्यारह बारह सौ घंटे के की सामग्री उपलब्ध है जिसमें चर्चा है चितवनी है वाणी गायन है प्रश्नोत्तरी है इस तरह से लेकिन फिर भी साथ के यहाँ कभी हम पहुँचते हैं तो मैं एक बार अपनी व्यक्तिगत घटना बताता हूँ आज से लगभग पाँच छः साल पहले मैं एक स्थान पर बीतक के लिए गया हुआ था बीतक करने के लिए यही समय था तो अब एक महीने की बीतक चल रही है वो बीतक सुन भी रहे हैं उनके घर में भोजन के लिए बुलाया गया अब भोजन करके जैसे उसके कुछ समय के बाद में चर्चा होनी होती है ना अब उनके मन में था कि महाराज जी दस मिनट के लिए कुछ सुना दीजिए मैंने कहा बीतक सुनते सुनते आज बीस बाईस दिन हो चुके हैं इतने दिन में जो बात समझ में नहीं यदि आ रही है और अब भी दस मिनट में कुछ सुनने की आवश्यकता पड़ रही है तो दस मिनट में भी आप कुछ नहीं सुन सकते कुछ समझ नहीं सकते जिस तरह से सुंदर साथ की प्रवृत्ति है कि चलते चलते कुछ सुना दीजिए स्वामी जी भी कई बार आ, हम स्वामी जी के पास बैठे होते हैं या फिर स्वामी जी किसी सुंदर साथ के घर में होते हैं तब भी बोलते हैं कि स्वामी जी पाँच मिनट कुछ सुना दीजिए अब वो पाँच मिनट कुछ सुना दीजिए वो क्या होता है मुझे भी नहीं पता इतने वर्षों से कि क्या सुनना चाहते हैं क्योंकि वाणी की चर्चा तो हम वर्षों से सुनते ही आ रहे हैं एक तरफ वाणी कहती है कि बहुत पुकार करूं किस खातिर ये सब सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी सो एक लवे होसी टुक टुक तो वैसे तो इशारा भी काफ़ी होता है और हमारे पास तो पूरा खजाना है अब तो पूरी वाणी की टीका है और इतने विषयों में चर्चा है कि मुझे लगता है कि कोई जिज्ञासा ऐसी बाकी नहीं रही होगी पर फिर भी प्रवृत्ति वैसी है अब बेचारा भगवान दास रेवादास उसने तो चर्चा सुनी ही नहीं पर उसने भी कुछ ऐसा ही किया कि चलते चलते कुछ बता दीजिए अब जाते जाते क्या करें तब चार सुकन चलते कहे याद करो धाम जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम जाते जाते कहा कि तुम परमधाम को याद करो यमुना जी को याद करो वहाँ के ताल अर्थात तो हौज कसर ताल को याद करो यमुना जी के किनारे के सभी घाटों को याद करो सातों घाट हो गए हौज कसर तालाब में भी घाट है उन सब घाटों को याद करो कुल मिला के कि परम धाम की शोभा को याद करो और अक्षर मुकाम को याद करो फिर कहते हैं कि देखो हम ही ब्रज में थे रास में भी हम ही आए और ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में भी हम ही आए हैं और अब खेल देख करके हमें पीछे परमधाम वापस जाना है परमधाम में जागृत होना है अब चलते चलते तो इतना ही बताया जा सकता है अब श्री लालदास जी कहते हैं कि इसे सुनकर उसने अपने हृदय में रख लिया भगवान दास रेवादास ने उसको अपने दिल में रखा और मन ही मन उसको याद करते रहे और किसी से कोई बात नहीं करी कहते हैं ये बात चित्त धर के फेर आए अपने ठौर सोई बात दिल में रखी काहू न कहे और कि ये बात और किसी से कही ही नहीं अब कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस तरह से भगवान दास रेवादास के माध्यम से एक ऐसी ब्रह्म सृष्टि की जागनी होती है और उनके द्वारा सिद्धपुर में बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई क्योंकि हमारे मन में कई बार आता होगा प्रश्न कि हमें पहली बात तो खुद को पता नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है जब हमें खुद को नहीं पता तो हम दूसरे की जागनी कैसे कर सकते हैं अपनी तो हुई नहीं पर इस प्रसंग से हमें यह पता चल रहा है कि यदि जीव सृष्टि भी हो तब भी ब्रह्म सृष्टि की जागृति का माध्यम बन सकता है जैसे यहां भगवान दास रेवादास बने हैं तो इसलिए कल के प्रसंग में हम सुनेंगे अब कि केशव जी को कैसे पहचान हुई कैसे उन्होंने श्रीजी को अक्षरातीत के रूप में पहचाना किस तरह से उन्होंने अज्ञानता से दज्जाल से लड़ाई करी और अपने क्षेत्र में वाणी का प्रचार प्रसार किया फिर कल एक और प्रसंग है मेरता का वहाँ एक लाभानंद नाम का यति जो कि यति तो सन्यासी को कहते हैं पर वो एक तांत्रिक है तंत्र मंत्र की क्रिया करता है लोगों को डरा धमका करके रखता है श्रीजी उसको किस तरह से हराते हैं कैसे वो श्रीजी सहित सुंदर साथ को मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके जितने भी भूत प्रेत उसने वश में कर रखे थे वो कुछ भी नहीं कर पाते फिर सुंदर साथ के मन में यह सवाल होता है कि क्या भूत प्रेत हमें परेशान कर सकते हैं यदि कर सकते हैं तो उससे बचने का उपाय क्या इस तरह के तो इन सभी प्रश्नों का जो समाधान है वो कल की चर्चा में हम सुनेंगे अब समय पूरा होता है चौपाई दो ए बात चित धर के फिर आए अपने थौर सोई बात दिल में रखी न कहवे और काहू न कहवे और बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम सुनिश्चित